Hello children, in this video we will do BRTech and PTech. Okay, so what is BRTech? BRTech kya hota hai, uska kya use hai? Okay, estimate doesn't accept the normal line breaks or white spaces in text. In order to insert line breaks in HTML document, BRTech is used. तो सिंपल टर्म में आप सिर्फ इतना याद रखो कि लाइन ब्रेक्स देने के लिए, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए BRTech का यूज होता है. ओके, BRTech इज एन एम्प्टी टैग. ये एम्प्टी टैग है. ओके, इसकी सिर्फ आपको ओपनिंग टैग अप्लाई करना होता है, क्लोजिंग टैग नहीं अप्लाई करना होता. ओके, बी आर टैग इज एन एम्प्टी टैग विच इज यूज टू इंसर्ट अ ब्रेक ऑफ वन लाइन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द लाइन्स. तो मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन में आपका कंट्रोल चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइंस के एक लाइन गैप आएगा, गैप नहीं आएगा, बट द कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन. फाइन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है. अब इसको प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखाती हूँ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम लेंगे HTML. हमेशा HTML से स्टार्ट करते हैं. देन आपका हेड आ गया. हेड के अंदर आप क्या दोगे, टाइटल दोगे वेब पेज का. टाइटल टाइटल आपने दिया BRTech ट्यूटोरियल, ये हमने दे दिया. ठीक है, अब आपने टाइटल को क्लोज किया. फाइन, हेड को क्लोज करना है, बैक स्लैश हेड. नाउ बॉडी टैग. अब बॉडी टैग में हम अप्लाई करते हैं. ओके, तो इसके लिए एक पैराग्राफ ले लेते हैं. जैसे आपने लिया, यहां से हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं. यहां से हमने ये छोटा सा लिखते हैं, यही ले लेते हैं, बड़ा पैराग्राफ ले लिया. दिस वन कंट्रोल सी कंट्रोल बी. ओके, नाउ क्लोज बॉडी टैग एंड देन HTML. अब यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर दिया, राइट लेकिन कहीं पर भी बी आर टैग नहीं लगाया. अगर आप बी आर टैग नहीं लगाते हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये आप अभी आप देखोगे. ठीक है, आपका जो है वट एवर यू हैव रिटन, जो भी आपने लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा टिल वो कंप्लीट वेब पेज के जो विथ है उसको कवर नहीं कर लेता है. ठीक है, तो पहले इसको सेव करते हैं. कंट्रोल एस हमने सेव किया, बी आर करके कर देते हैं डॉट HTML, राइट सेव. ओके, नाउ ओके, अब इसको हम देखते हैं. बी आर हमारी फाइल यहाँ पर है, ओपन विद, कोई भी आप ब्राउजर से ओपन कर लो. मैंने इंटरनेट एक्सप्लोर कर दिया. फाइन, नाउ यहाँ पे आप देखो, जब तक कि कंप्लीट वेब पेज नहीं आ जाता, यहाँ पे कोई भी ब्रेक्स नहीं है, लाइन ब्रेक्स नहीं है. तो हमें क्या चाहिए, लाइन ब्रेक्स चाहिए. उसके लिए आप क्या लगाओगे, बी आर टैग यूज करोगे. फाइन, तो हम अब यूज करते हैं बी आर टैग का. जैसे मैंने यहाँ पे द सीड्स ऑफ इंटरनेट प्लांटेड द दिस 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 यहाँ पे. ओके, इस लाइन के बाद मैंने कर दिया बी आर. फाइन, द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू कनेक्ट कंप्यूटर से डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन डिफेंस. यहाँ के बाद मैंने कर दिया बी आर टैग यूज. द मिड 80s फाउंडेशन क्रिएटेड द न्यू हाइप ARPANET. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बी आर टैग, राइट. लेटर दो 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 दो. ओके, अभी तो लास्ट लाइन है, यहाँ पे बी आर की कोई जरूरत नहीं है. ओके, तो जहां जहां पे हमें लाइन ब्रेक चाहिए था वहां पे हमने बी आर को यूज कर लिया है. ओके, और उसे सेव कर दिया. फाइन, नाउ अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं. देखो, आपने बी आर का यूज किया तो क्या हुआ, जहां जहां बी आर का यूज हुआ है वहां पे क्या हुआ है, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है. जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो बी आर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं. फाइन, ओके, नेक्स्ट टैग है पी टैग, और यू कैन से पैराग्राफ टैग. ओके, पी टैग इज अ कंटेनर टैग विच इज यूज टू क्रिएट पैराग्राफ्स इन द वेब पेज. अगर हमें वेब पेज के अंदर पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग या पी टैग का यूज करते हैं. फाइन, HTML ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ. और जब पैराग्राफ क्रिएट होता है तो पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद क्या जाता है, एक लाइन का ब्रेक आ जाता है, एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है. फाइन, ओके, एंड पी टैग के एट्रीब्यूट्स
कौन कौन से हैं? इसका एटीब्यूट है अलाइन एटीब्यूट। बाय डिफॉल्ट द पैराग्राफ क्रिएटेड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स आर लेफ्ट अलाइन। अगर आप कोई भी अलाइन एटीब्यूट नहीं देते हो, मतलब अलाइन एटीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन होगा, लेफ्ट साइज में साइड में पैराग्राफ आपको मिलेगा। ओके, द अलाइन एटीब्यूट ऑफ पी टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ विद इन द वेब पेज। तो अलाइन एटीब्यूट का क्या यूज है? इससे आप पैराग्राफ का अलाइनमेंट कर सकते हो कि वो लेफ्ट में अलाइन करे या राइट में अलाइन करे या सेंटर में लाइन करें। ओके, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, अब जहां पे मैंने बी आर टैग लगाया था वहां पे मैं क्या करती हूँ, पी टैग लगा देती हूँ, पैराग्राफ टैग लगा देती हूँ। पैराग्राफ इन लाइंस को मैं पैराग्राफ बना देती हूँ, पैरा क्योंकि ये कंटेनर टैग है तो आपको स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग देना होगा। राइट, अगेन दिस इज माई पी टैग। ओके, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया स्लैश पी से। देन अगेन यू विल स्टार्ट, ये कंटेनर टैग होता है पैराग्राफ टैग, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका आपको स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों देने हैं। फाइन, ओके। तो नेक्स्ट भी आपने यहाँ पे पी टैग स्टार्ट किया और आपने इसको क्लोज कर दिया, राइट, और सेव। फाइन, अब मैंने बी आर टैग को हटा दिया है, उसके प्लेस पे पैराग्राफ टैग को अप्लाई कर दिया है। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपनी फाइल और उसको रिफ्रेश करेंगे। नाउ सी क्या है, पैराग्राफ टैग अप्लाई करने से क्या हुआ है, ये जो जितनी भी लाइंस हैं वो पैराग्राफ बन चुकी हैं। और पैराग्राफ टैग जब आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है, पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद वो वन लाइन का क्या देता है, गैप देता है। फाइन, तो यहाँ पे वन लाइन का गैप मिला हुआ है, यू कैन सी। अब पैराग्राफ टैग का एक ही एटीट्यूड है लाइन एटीट्यूड, वो भी हम अप्लाई करके देखते हैं। फाइन, कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हमने ये वाला मिड वाला ये वाला ले लिया, पी अलाइन इक्वल टू राइट, राइट राइट में हमने इसको कर दिया। नाउ सी, अब बाय डिफॉल्ट क्या है, सारे लेफ्ट अलाइन है। ओके, अब लेकिन हमने एक एक जो सेकंड वाला है इसको हमने क्या कर दिया, राइट अलाइन। रिफ्रेश करते हैं, देखो ये राइट में चला गया। फाइन, ऐसे ही आप सेंटर कर सकते हो। सेंटर, रिफ्रेश किया, देखो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका अलाइन एट्रीब्यूट अप्लाई किया। फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमने बी आर टैग किया है, पैराग्राफ टैग किया। अच्छा, पैराग्राफ और ब्रेक लाइन में क्या डिफरेंस है, पैराग्राफ टैग क्या है, कंटेनर टैग है, इसके आपको स्टार्टिंग और एंडिंग टैग देना पड़ता है। और बी आर टैग क्या है, एक एम्प्टी टैग है। फाइन, पैराग्राफ टैग में क्या होता है, आपको पैराग्राफ से अबव, मतलब पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद लाइन गैप मिलता है। ओके, बट बी आर टैग में ऐसा नहीं होता, गैप नहीं मिलता है। सिंपली ये क्या हो जाता करता है, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। फाइन, ओके, सो हियर वी हैव डन पैराग्राफ टैग एंड बी आर टैग।